शिक्षा सेवा संस्था ने बांटा हेल्थ गार्ड किट। बहरलगंज सपा नेत्री पूनम गुप्ता ने मानव शिक्षा सेवा संस्था द्वारा क्षेत्र के नरहरपुर गांव में हेल्थ गार्ड ऑयल व अन्य सामग्री का वितरण करते हुए उन्होंने कहा कि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए ताजा भोजन व काढ़ा का प्रयोग करना चाहिए। अनावश्यक रूप से लोग घरों से बाहर ना निकलें। संस्था के प्रबंधक आलोक गुप्ता ने कहा कि बीमारी से बचने के लिए हेल्थ गार्ड ऑयल बेहतर है। इस अवसर पर सुरेश राय, प्रिया गुप्ता, सुधीर शर्मा, जयराम शेषनाथ, विनोद सहित अन्य लोग मौजूद थे। गगहा थाने से 6 पुलिसकर्मी पाए गए कोरोना पॉजिटिव। गगहा थाने में 2 एसआई पॉजिटिव आने के बाद 31 जुलाई 2020 को 45 पुलिसकर्मियों का स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सैंपलिंग की, जो प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर वी के बर्नवाल के नेतृत्व में हुआ। उन्होंने बताया कि 45 पुलिसकर्मियों के सैंपलिंग से 6 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिससे थाने में हड़कंप मच गया। पुलिसकर्मियों में महिला स्टाफ और पुरुष स्टाफ है। इन मरीजों को होम आइसोलेशन करा दिया गया है और थाना अध्यक्ष के नेतृत्व में सुबह शाम सैनिटाइजर कराया जा रहा है। कौड़ीराम उपखंड केंद्र का मेन ट्रांसफार्मर जला, सैकड़ों गांव अंधेरे में डूबे। बांसगांव तहसील क्षेत्र के विद्युत उपखंड केंद्र कौड़ीराम का मेन ट्रांसफार्मर जलने से सैकड़ों गांव अंधेरे में रहने के लिए मजबूर हो गए हैं। कौड़ीराम उपखंड केंद्र से ही सैकड़ों गांव की आपूर्ति होती है। यहां तक कि गोला, बड़हलगंज, बांसगांव, बेलीपार सहित अधिकांश क्षेत्रों की सप्लाई कौड़ीराम उपखंड केंद्र से ही की जाती है। मेन ट्रांसफार्मर जलने से अब विद्युत सप्लाई में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इस संबंध में कौड़ीराम क्षेत्र के निवासी पवन जायसवाल, विनोद गुप्ता, विनय सेठ आदि लोगों ने विद्युत विभाग के अधिकारियों से मांग की है कि कौड़ीराम विद्युत उपखंड के जेई सौरभ श्रीवास्तव ने कहा कि ट्रांसफार्मर जितनी जल्दी हो ठीक करवाया जाए। गोला क्षेत्र में घाघरा के लगातार बढ़ते जलस्तर से दहशत के साए में आसपास के ग्रामीण। गोला क्षेत्र के आसपास तमाम गांव में घाघरा के बाढ़ का पानी घुस गया है। इसके जलस्तर के लगातार बढ़ने की वजह से अहिरवाती, कोहना, दुबौली, देवकली, बिसरा आदि नदी के किनारे पड़ने वाले तमाम में इसका पानी घुस गया है। उपजिलाधिकारी राजेंद्र बहादुर ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह देते हुए लोगों को हर संभव मदद की बात कही। उत्तर प्रदेश के प्राविधिक शिक्षा मंत्री के निधन पर भाजपा मंडल मंत्री ने जताया शोक। गोला, गोरखपुर। उत्तर प्रदेश की प्राविधिक शिक्षा मंत्री श्रीमती कमल रानी वरुण का कोरोना वायरस से संक्रमित रही, जिनका इलाज पीजीआई लखनऊ में चल रहा था, इलाज के दौरान निधन हो गया। इस दुखद खबर को सुनते ही प्रदेश में शोक की लहर दौड़ गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने शोक संवेदना प्रकट की। इस मौके पर नगर पंचायत बड़हलगंज निवासी उत्तर प्रदेश जायसवाल सर्वांगी महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष व भाजपा मंडल मंत्री राजकुमार जायसवाल ने इस दुखद घटना पर 2 मिनट का मौन रखकर शोक प्रकट करते हुए कहा कि इस विपदा के समय में पीड़ित परिवार के साथ हमारी संवेदना है। आगे श्री जायसवाल ने कहा कि इस कोरोना आपदा ने बहुत से अपने को हम सब से छीन लिया है। इस महामारी ने टीपी शाही जी, पूर्व ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि लाल बहादुर यादव जी, युवा नेता अंजू हिंदुस्तानी जी जैसे बहुत से लोगों को अपनों से दूर कर दिया। हम सभी को ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि ईश्वर जल्द से जल्द इस महामारी को दूर करे। श्री जायसवाल ने आगे भी अपील किया कि लोग बहुत जरूरी हो तभी घर से बाहर निकले और मास्क का सदैव प्रयोग करें। हाथों को साबुन या हैंड वॉश से हमेशा धुलते रहें, क्योंकि इस बीमारी का अभी तक कोई दवा नहीं उपलब्ध है। इसलिए स्वच्छता और सतर्कता ही एकमात्र बचाव है। भाई की कलाई पर राखी बांधने जा रही बहन की सड़क दुर्घटना में हुई मौत। मामला कोतवाली गोला क्षेत्र लखीमपुर गोला मार्ग का है, जहां रजागंज से पहले लगभग 2 किलोमीटर दूर गोला की तरफ बाइक सवार महिला की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई। मृतक महिला मंजू देवी पत्नी रूपलाल ग्राम हसनापुर थाना खीरी की बताई जा रही है, जो रक्षाबंधन के पर्व पर अपने भाई मनोज कुमार पुत्र नंदलाल निवासी मोहल्ला अर्जुन नगर कॉलोनी कोतवाली गोला को राखी बांधने जा रही थी, जिसके साथ उसका लगभग 5 वर्ष का बच्चा व बाइक चालक, जिसे हल्की चोट आई है तथा खतरे से बाहर है। सूचना पाकर मृतका के पिता नंदलाल और भाई मनोज कुमार घटना स्थल पर पहुंच गए। कोतवाली गोला पुलिस ने मृतका के शव को अपने कब्जे में लेकर सीएचसी गोला ले आई है, जहां कुछ समय उपरांत मृतका के शव का पंचायतनामा भरकर उसे पोस्टमार्टम हेतु मुख्यालय भेज दिया गया। डॉक्टर संजीव कुमार दीक्षित की अगुवाई में जलजमाव से राहत।
गोरखपुर थाना रामगढ़ ताल क्षेत्र ग्राम सभा बड़गो में आज तहसीलदार सदर डॉक्टर संजीव कुमार दीक्षित के अगुवाई में जल निकासी से लगभग 1 लाख से ऊपर आबादी को कुछ राहत महसूस हुई। जल जमाव से रुस्तमपुर के दक्षिण के भाग के निवासियों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया था। आजाद चौक बड़गो मेन रोड पर लगभग 3 फीट पानी लगा हुआ है, जिससे आवागमन पूरी तरह से बाधित है। इस पूरे मामले को लेकर प्रशासन के ऊपर काफी दबाव था। तहसीलदार सदर डॉक्टर संजीव कुमार दीक्षित पिछले 1 हफ्ते के दरमियान लगातार जल जमाव वाले एरिया में सर्वे करते रहे। सर्वे करने के बाद रुस्तमपुर मुख्य मार्ग के बीच मार्ग को काटकर पाइप डालकर जल निकासी की व्यवस्था कराई गई। डॉक्टर संजीव कुमार दीक्षित व सत्य सन्याल शर्मा ने बड़ी सूझबूझ से लोगों को समझा बुझाकर अपने काम को अंजाम दिया। जल निकासी के समय ही मुख्य मार्ग पर दोनों तरफ गाड़ियों व आम जनता की लाइनें लग गई, जिसकी सबसे बड़ी वजह इस एक मार्ग से करीब 32 ग्राम जुड़ता है, जिससे मुख्य मार्ग रूप से राजस्व की पूरी टीम मुस्तैदी से डटी रही। कानूनगो के साथ मोहम्मद जावेद खान, जगदीश प्रसाद, जयदेव सिंह, मृदुला सिंह व थाना रामगढ़ तार प्रभारी सत्य सन्यान शर्मा के साथ आशीष कुमार सिंह, कमलेश यादव, प्रदीप सिंह, लोकनाथ सिंह, देवानंद थाना कैंट की फोर्स भी मौके पर मौजूद रहे। भाई बहन के प्रेम का प्रतीक पर्व रक्षाबंधन हर्षोल्लास पूर्वक मनाया गया। गोला गोरखपुर। भाई बहन के प्रेम का प्रतीक पर्व रक्षाबंधन हर्षोल्लास से पूरे क्षेत्र में मनाया गया। श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाने वाला यह त्यौहार आदिकाल से मनाया जा रहा है। रक्षाबंधन का यह पर्व भाई बहन के पवित्र रिश्ते का पर्व है। रक्षाबंधन पर्व पर राखी व मिठाइयों की दुकानें सजी हुई थी। उपनगर में राखी के दिन भर चहल पहल भीड़ भाड़ लगा रहा। चौराहे पर कहीं कहीं जाम की स्थिति हो जा रही थी। बहनों ने भाइयों के लिए विभिन्न प्रकार की बनी रंग बिरंगी राखी व मिठाइयाँ खरीदी। राखी के दिन बहन ने पूजा की थाली में राखी के साथ दही, रोली, हल्दी, चावल व दीपक मिठाइयां लेकर पहले भगवान की पूजा करके भाइयों के लिए पूजा सामग्री के साथ भाइयों के माथे पर तिलक लगाती हैं और उसके बाद कलाई में राखी बांधकर भाई की आरती उतारकर भाइयों को मिठाई खिलाती हैं। भाई बहनों की रक्षा का वचन देता है और बहनें अपने भाइयों के दीर्घायु की कामना करती हैं और घरों में बने विभिन्न प्रकार के लजीज व्यंजनों को खाते हैं। रक्षाबंधन पर्व पूरे क्षेत्र में शांतिपूर्वक व हर्षोल्लास से मनाया गया। तहसील प्रशासन द्वारा गांव में किया गया नाव की व्यवस्था। गोला गोरखपुर। गोला विकासखंड के बिसरा गांव में तहसील प्रशासन ने बाढ़ को देखते हुए और बाढ़ से प्रभावित गांव कोइराना व बाबू टोला और कोहना में 3 नाव की व्यवस्था की, जिससे गांव के लोगों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। बता दें कि घाघरा का जलस्तर बीते 4 दिनों से निरंतर बढ़ रहा है, जिससे सरयू नदी के तट पर बसे गाँव में बाढ़ का पानी पहुँच गया है। कोहना गोपालपुर में भी गाँव में पानी घुस जाने के कारण 2 छोटी नाव लगाई गई है और बारा नगर, देवई, पीपर, तीरा गाँव, कोरिया सहित जो भी गाँव नदी के तट पर स्थित है, सभी नदी के बढ़ते जलस्तर को देखकर भयावह हैं। बारा नगर में रामकवल सागर, केवला देवी, एकादशी धोबी, मल्लाही टोला में भागीरथी आदि के दरवाजे पर नदी का पानी हिलोरे ले रहा है। गोला से उरवा जाने वाला सड़क मार्ग पर बिसरा गांव के पास बाढ़ का पानी पूरी तरह भर गया है। रविवार को SDM गोला राजेंद्र बहादुर से बिसरा गांव जलमग्न होने के बाबत बात हुई तो उन्होंने तत्काल राजस्व टीम भेजने का आश्वासन दिया था। सोमवार की सुबह राजस्व निरीक्षक गोला BD त्रिपाठी के नेतृत्व में वरिष्ठ लेखपाल ओम प्रकाश यादव, रकौली ग्राम प्रधान प्रतिनिधि राजेश यादव सहित नदी तट पर स्थित गांव में लेखपालों की टीम क्षेत्र में पहुंचकर स्थिति का आकलन करते हुए व्यवस्था में लग गई है। जहां नाव की जरूरत है वहां नाव की व्यवस्था दी जा रही है। जानीपुर चौराहे पर रक्षाबंधन की खरीदारी करने से लगा जाम। गोला थाना क्षेत्र के गोला कौड़ी राम रोड स्थित जानीपुर चौराहे पर आज रक्षाबंधन के पावन पर्व पर खरीदारी करने आए लोग अपनी गाड़ियां बेतरतीब खड़ा कर दिए थे, जिससे करीब 2 घंटे तक आवागमन बाधित रहा। इस चौराहे पर पुलिस चौकी भी है, लेकिन वहां एक भी पुलिस मौजूद नहीं थी। आज यहाँ 10 बजे से 12:30 बजे तक लोग जाम से परेशान दिखे। आज इस कोरोना काल में जहां शासन प्रशासन सबको सामाजिक दूरी और मास्क लगाकर घर से बाहर निकलने के लिए आगाह कर रही है, प्रबुद्ध समाज इसका पालन भी कर रहा है, लेकिन वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में इस महामारी से लोग तनिक भी भयभीत नहीं दिखते नजर आए। तो वहीं अपने भाइयों को राखी बांधने जाने वाली बहनों और भाइयों को यहाँ आकर फंसना पड़ा। देखते देखते यहाँ रामनगर से खखरी बलिया मार्ग तक जाम लग गया। जानीपुर चौराहे पर हमेशा पुलिस की पीके ड्यूटी रहती है,
यहाँ पर पुलिस चौकी भी है, लेकिन आज इस चौराहे पर एक भी पुलिस नहीं दिखाई दी। जब इसकी सूचना एसओ गोला को दी गई तो उन्होंने कहा कि अभी हम पुलिस भेजते हैं। उरवां बाजार में सोशल डिस्टेंसिंग के उड़ाई गई धज्जियां। उरवां, देश भर में भाई बहन के प्रेम का त्योहार रक्षाबंधन हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, लेकिन रोड खराब होने की वजह से कई घंटों से जाम लगा हुआ है, जिससे कई प्रकार की कठिनाइयों से लोग जूझ रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं कि एक एम्बुलेंस को भी जो घंटों से जाम में फंसा रहा, ना ही लोगों ने एम्बुलेंस को प्राथमिकता दी और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया और जमकर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गईं। उरवा पुलिस प्रशासन पूरी तरह से नाकाम दिख रही है। उरवा थानाध्यक्ष दुर्गेश सिंह ने बताया कि जाम को खुलवा दिया गया है, रास्ता खराब होने की वजह से ऐसा हुआ। कौड़ीराम में सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ाई गई धज्जियां। बांसगांव, देश भर में भाई बहन के प्रेम का त्योहार रक्षाबंधन हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, लेकिन रोड खराब होने की वजह से कई घंटों से जाम लगा हुआ है, जिससे कई प्रकार की कठिनाइयों से लोग जूझ रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं कि एक एम्बुलेंस को भी घंटों से जाम में फंसा रहा, ना ही लोगों ने एम्बुलेंस को प्राथमिकता दी और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया और जमकर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गईं। कौड़ीराम पुलिस प्रशासन पूरी तरह से नाकाम दिख रही थी। इस संबंध में कौड़ीराम चौकी इंचार्ज प्रमोद शुक्ला ने बताया कि जाम को समय से खुलवा दिया गया। देखिए पूर्वांचल की बड़ी खबरें वीडियो मोड में बांसगांव संदेश ऐप को अभी डाउनलोड करें।